दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर, दिल्ली से अंकित। नमस्कार अंकित जी, पूछिए। सवाल है रेडिंगटन के 550 शेयर हैं 104 रुपए के एवरेज प्राइस पे। ठीक है, और कब तक का आपका नजरिया है, कब तक बने रहना चाहते हैं? एक महीना, छह महीने का आपका नजरिया है। चलिए ठीक है, मानस क्या सलाह देंगे? थोड़ा सा इनके परचेजिंग प्राइस से नीचे आए हैं ये शेयर, लेकिन अगर छह महीने का इनका नजरिया हो तो क्या यहाँ पर रिकवरी देख सकते हैं इजिली? देखिए पैटर्न वीक है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मैं समझता हूँ रिवर्सल के साइन तभी दिखेंगे जब स्टॉक 104 रुपए के ऊपर ट्रेडिंग करने लगेगा। तो मेरी राय में 90 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि अगर 90 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे तो वहां से कम 10 से 12 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने एक बार अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 104 के आसपास है उसको ब्रेक कर लिया तो आप वहां से कम 120 रुपए तक की उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरी राय में बने रहे लेकिन 90 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, इस बीच राहुल हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से अपना सवाल पूछने के लिए। राहुल जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप प्लीज। सर BSPL के 500 शेयर है 145 पे और एक्सिस बैंक में ट्रेडिंग के लिए कितने शेयर लिए हैं? सर ट्रेडिंग करनी है तो फ्रेश पोजीशन बनानी है। अच्छा ठीक है, बनाई नहीं अभी पोजीशन। BHL के बारे में पता कर लेते हैं जो आपने 145 का लिया। गौरांग इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2016 का ये एक का लूजर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें ये भी कोई दो राय नहीं कि कई सरकारी कंपनीज चल रही हैं लेकिन ये पीछे हट गया। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इसके पीयर्स इसको हरा रहे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सरकार इसको इतना सपोर्ट करे लेकिन फिर भी नहीं चल रहा। इतना सब कुछ होने के बाद मैं ये तो मानता हूँ कि हो सकता है नए निवेशक इस पर अब कम रुझान रखते हों, लेकिन जिनकी पुरानी खरीद है ना वो थोड़ा मुश्किल में है, उनका पैसा ब्लॉक हो गया है एक्चुअली। अब वो करें क्या, अपने पैसे को जो ब्लॉक हो गया है उस पर वेट एंड वॉच ही करें या फिर उसमें से लॉस बुक कर लें? ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हम और अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दें। इनका ये सवाल का जवाब देने से पहले इनका दूसरा सवाल था शायद एक्सिस बैंक से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर मुझे बराबर सुनाई दिया तो। हाँ, तो ये थोड़ी स्ट्रेटजी रणनीति बनाए और रणनीति ये होगी कि आपका ये जो निवेश है BHEL में इसको बेच करके एक्सिस बैंक में परिवर्तन करे और वो लंबी अवधि के लिए रखे। ठीक है, और ये जो BHEL में इनका निवेश है उसमें परिवर्तन करे। और मानस जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रेडिंग आइडिया BHEL में दे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि BHEL पर हमारी भी क्वालिटी की राय है और अगर किसी को कैप गुड इंजीनियरिंग में निवेश करना है तो L&T ABB सीमेंट्स KEC इंटरनेशनल ये हमारी पसंद है। ठीक है, मानस एक बार ट्रेडिंग कॉल भी देंगे BHEL पे। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए? आप मेरे को दो स्टॉप लॉस दिएगा, एक ऐसा स्टॉप लॉस जो थोड़ा एक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हो और एक ऐसा स्टॉप लॉस जो थोड़ा ट्रेडिंग करना चाहता हो 4-5 दिन के हिसाब से भी। देखिए अगर पोजिशनल तौर पे स्टॉप लॉस रखना है तो वो स्तर रहेगा 112 रुपए का, क्योंकि चार्ट्स पे 112 रुपए एक अहम सपोर्ट है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी वीक है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट 7-8 दिनों की जो रैली हमने देखी है इसमें ऐसा लगता है कि आज जरूर हमें थोड़ा सा एक डिप देखने को मिला लेकिन ऐसा लगता है कि शायद 132 से लेकर 135 तक के स्तर BHEL में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी 1-2 हफ्ते में स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो केवल उतना ही मैं समझता हूँ, इससे ज़्यादा बड़े टारगेट देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जब तक स्टॉक 140 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग करके मौके मिलेंगे, आप ट्रेडिंग करके निकल जाइए स्टॉप लॉस के साथ, बट मैं नहीं समझता यहाँ पर निवेश करना चाहिए।